हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग यार, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, गुड आफ्टरनून, जब भी आप देख रहे हो। तो कैसे हैं आप लोग? आज हमारे 75 हार्ड डे चैलेंज का 19वां दिन है, यानी 19th डे। आज हम अपने एपी का 5.2 वाला कंप्लीट करके 5.3 यानी सम ऑफ एंड टर्म्स सेकंड वाला पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। सेकंड फॉर्मूला हम पढ़ेंगे, क्लियर सभी को? इसके पहले जो हमने एंड टर्म पे क्वेश्चन भी कर लिए, एंड टर्म डिराइव करके हमने एंड टर्म वाले फॉर्मूला वगैरह भी देख लिए है ना, आज अपन जो है सम ऑफ एंड टर्म्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। बिफोर स्टार्टिंग द सम ऑफ एंड टर्म्स, हम पिछले वाले एक्सरसाइज में हमने जो कुछ भी पढ़ा था फॉर्मूले है ना, फॉर्मूले जो कुछ भी क्वेश्चन ने, उन फॉर्मूले को एक बार रिवाइज कर लेंगे उन फॉर्मूले, क्योंकि उनको फॉर्मूले का हमें यहाँ पे यूज करना होगा। क्लियर सर? तो चलिए फटाफट से एनसीईआरटी पेन कॉपी निकाल के बैठ जाओ और शुरू करते हैं लेके प्रभु का नाम है ना, बोलो जय श्री राम। चलिए तो अच्छा, हाँ वैसे एक चीज, आज उत्तरायण है ना, उत्तरायण तो आप सभी को मेरी तरफ से उत्तरायण की ढेर सारी शुभकामनाएं। 14th जनवरी है, मकर संक्रांति, ठीक है, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को ना। चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। तो हमारा टॉपिक है सम ऑफ एंड टर्म्स, सम ऑफ एंड टर्म्स। क्लियर सर? एंड टर्म्स का सम क्या होगा, कैसे निकालेंगे, कितने होंगे, सब चीज अपन देखने जा रहे हैं। क्लियर? तो आज उसके पहले कुछ बेसिक फॉर्मूले में रिवाइज करना है। सबसे पहले हमने फॉर्मूला अगर पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था एक, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जिसमें से हमारा ए क्या था फर्स्ट टर्म, डी क्या था कॉमन डिफरेंस, एन क्या था नंबर ऑफ टर्म्स, और ए एन क्या था, ए एन को हम कहते हैं एंथ टर्म, ए एन को एंथ टर्म ना, ए एन की जगह पे ना कुछ कुछ किताबों में आपको टी एन भी लिखा हुआ है मिलेगा, फिर इसको लास्ट टर्म भी कहते हैं कई जगह पे ना, एल से भी नोट किया जाएगा, एल यानी लास्ट टर्म है ना, तो आप ध्यान रहे ना, ए एन को लास्ट टर्म और टी एन भी कह सकते हैं, कहा जाता है इनफैक्ट, आप इसे ए एन टी एन या फिर एल है ना, तीनों सेम है, लास्ट टर्म एंथ टर्म है ना, ये भी एंथ टर्म है, ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है ना, कुछ कुछ किताबों में ऐसे दिया रहेगा। डी अपना वही कॉमन डिफरेंस है, एन नंबर ऑफ टर्म, ए यानी फर्स्ट टर्म, ये आपका फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब डी निकालने के भी कुछ फॉर्मूले हमने पढ़े थे, कॉमन डिफरेंस निकालने के हमने फॉर्मूले पढ़े थे, अब क्या फॉर्मूला पढ़े थे ध्यान से देखना, कॉमन डिफरेंस निकालने का हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था याद है, ए एन माइनस वन, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था, ये कैसे दे रहा है याद है, हमने कहा था सेकेंड माइनस फर्स्ट, थर्ड माइनस सेकेंड, फोर्थ माइनस थर्ड, ये हमने सीखा था, मतलब आगे वाले में से उसके पीछे वाले टर्म को माइनस कर रहे थे, तभी तो हमें डिफरेंस मिल रहा था, याद है, देखो ए वन ए टू ए थ्री ए फोर ए फाइव, हमने क्या किया था, ए टू माइनस ए वन ए थ्री माइनस ए टू ए फोर माइनस ए थ्री ए फाइव माइनस ए फोर, इस टर्म में कॉमन डिफरेंस मिल रहा था, यानी जो भी आगे वाले टर्म में से पीछे वाले को माइनस करना, आपको सक्सीडिंग माइनस प्रीसीडिंग टर्म हमें करना है, ठीक है, तो हमें कॉमन डिफरेंस मिल जाता। अब इसी का एक रिवर्स ना, इसी का रिवर्स हम ये भी कह सकते हैं कि अगर ये वाला टर्म एक कम है तो इसका उल्टा मैं तो ये भी कह सकते हैं कि ये इसकी ये वाला जो टर्म होगा उससे एक नंबर ज्यादा होगा, तो इन शॉर्ट अगर ये वाला टर्म आपका के है तो ये वाला के प्लस वन होगा, ये कॉमन डिफरेंस के ये दोनों फॉर्मूले, हालांकि दोनों सेम है, मीनिंग सेम निकल रहा है दोनों का, अलग अलग नहीं है, लेकिन दो अलग अलग रूप में इसको पूछा जा सकता है, फॉर्मूला एक ही है ना, तो आपको ध्यान रखना है ये भी और ध्यान रखना है ये भी, ठीक है। फिर एक आपने ये फॉर्मूला पढ़ा था, फिर हमने एक ये फॉर्मूला पढ़ा था, इसी फॉर्मूले का दूसरा रूप हमने यहां देखा था, फिर याद हो तो डी निकालने का हमने एक और फॉर्मूला पढ़ा था, ए एम माइनस ए एन डिवाइडेड बाई एम माइनस एन, ऐसा करने से डायरेक्टली हमें कॉमन डिफरेंस मिल जाता है, निकाला था क्या, बस इतने फॉर्मूले हमने पढ़े थे, इन्हीं चीजों को लेके हम आगे बढ़ रहे हैं, और आज हम देखने वाले हैं सम ऑफ एंड टर्म्स, यानी इसी एपी में अगर मैं कॉमा हटा दूं, कॉमा हटा के अगर मैं इनके बीच में प्लस का साइन लेके आ जाऊं, तब सिचुएशन क्या होगी, तब इन्हें हम कैसे सॉल्व करेंगे, तब किस किस प्रकार के सवाल डेवलप होंगे, हमारा ये मुद्दा समझना, बात समझ में आई, मतलब बात समझ में आ गई, ठीक है, बहुत बढ़िया ना, बात समझ में आ गई होगी आपको। चलो तो इसको जो है मैं मिटा दे रहा हूं, ठीक है सर, एक दो तीन, चलो शुरुआत करते हैं अपन, सम ऑफ एंड टर्म्स, ठीक है सर। देखिए इसको पहले हम कैसे करेंगे, मैंने आपको बताया अभी अभी हमने देखा था कि एक एपी क्या होता है, एपी ये होता है ए वन कॉमा ए टू कॉमा ए थ्री कॉमा ए फोर कॉमा ए फाइव एंड सो ऑन, लास्ट में मिलता था ए एन। अब इस एपी को, एपी में अगर मैं इनके बीच में कॉमा हटा के मैं इनको ऐड कर दूं, है ना,
ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री प्लस ए फोर प्लस करते करते कहां तक, प्लस ए एन तक, है ना। तो ये सम ऑफ एन टर्म्स है, तो सम ऑफ एन टर्म्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे पहली चीज एसएन से। सम ऑफ एन टर्म्स, ये जो मैंने इतनी बड़ी चीज लिखी है, सम ऑफ एन टर्म्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे, एसएन से। एस एन लिखने का मतलब ये कि सम ऑफ एन टर्म, यानी एस फाइव लिखने का मतलब क्या हुआ, एस फाइव का मतलब हो जाएगा सम ऑफ फाइव टर्म्स, सम ऑफ फाइव टर्म्स। अगर मैंने लिखा एस नाइन, इट मीन्स सम ऑफ नाइन टर्म्स, दैट क्लियर, ठीक है। तो हमें एस एन का मतलब समझ में आ गया, एस फाइव एस नाइन सबका मतलब समझ में आ गया होगा। अब इसी चीज में हम लेके इसको आगे बढ़ते हैं सर। अच्छा, बिफोर डिराइविंग द फॉर्मूला ऑफ एस एन, एस एन क्या होता है कैसे होता है, इस चीज करने से पहले मैं आपको एक स्टोरी के थ्रू ये चीज थोड़ा क्लियर करना चाहूंगा ना, ये चीज जो है कैसे कैसे इसका फॉर्मूला वगैरह बना था। तो एक मैथमेटिशियन थे, एक स्टोरी है अपने, मतलब आपको सुनना, स्टोरी के थ्रू आपको समझ में आ जाएगी। एक मैथमेटिशियन थे ना, उनके क्लासरूम ना, उनके जमाने की बात है, क्लासरूम में एक टीचर थे, ठीक है, जो अपने काम में बिजी थे ना, आप अपने काम में बिजी थे वो, ठीक है। तो वो उस दिन जो पढ़ा नहीं रहे थे, तो एक्चुअल में दिक्कत है, जैसे आप, अब आपको टीचर ना पढ़ाए हम क्या करते हैं, अपन हम बात करना स्टार्ट कर देंगे, है ना, बातचीत करेंगे, मस्ती करेंगे, आवाज़ होगी, सर को डिस्टर्बेंस होगी। तो सर ने क्या किया, बच्चों को बिजी रखने के लिए काम दे दिया। आप समझो जैसे सर है ना, अब सर को काम दे दिया, सर ने टास्क क्या दिया, सर ने बोला आप एक काम कीजिए, एक से लेके सौ तक सभी नंबर को जोड़ दो, एक से लेके सौ तक सभी नंबर को जोड़ दो। अब सारे बच्चे जो, अब हालांकि एक मुश्किल टास्क है ना, जब तक आपने एपी ना पढ़ा या फिर आपने इस पर दिमाग ना लगाया, आप चीजें ना देखी तो दिक्कत आएगी। अब लोगों ने कैसे जोड़ना स्टार्ट किया, एक प्लस दो तीन, तीन प्लस तीन छः, छः प्लस चार दस, दस प्लस, है ना, ऐसे ऐसे ऐड कर रहे थे। फिर कुछ लोगों ने ये भी किया कि एक से लेकर दस तक जोड़ देता हूँ पहले, फिर ग्यारह से लेकर बीस तक जोड़ूंगा, है ना, फिर ट्वेंटी वन से लेकर थर्टी तक जोड़ूंगा, और फिर बाद में सबको ना एंड में जो भी रिजल्ट आएगा उन सबको लास्ट में जोड़ दूंगा, मेरा आंसर फिर आ जाएगा। ऐसी भी बुद्धि लगाई गई, क्लियर है क्या। लेकिन है ना, मास्टर साहब ने क्या सोचा, मास्टर ने सोचा ना, मास्टर साहब ने सोचा था कि बच्चे अपन जो है बिजी रहेंगे। लेकिन 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 वहां पे एक ऐसा बच्चा बैठा हुआ था, वही हमारे मैथमेटिक जिन्होंने ये फॉर्मूला बनाया, ठीक है, तो वो फटाक से उठ के आए, है ना, विद इन मतलब एक मिनट दो मिनट के अंदर उन्होंने वक्त लिया, फिर वो आ गए कि लीजिए सर मेरा आंसर आ गया। अब सर को था एकदम भरोसा कि ऐसा हो ही नहीं सकता, है ना, इतनी जल्दी तुम आंसर कैसे ला सकते हो। तो सर ने जो है उसको वापस भेज दिया कि जाओ तुम ना दोबारा अच्छे से चेक करके, आंसर गलत है ये बोल। तो लड़के ने दोबारा चेक किया यार, है ना, वो और क्या कर सकता है, उसने दोबारा चेक किया, दोबारा भी आंसर वही आया। तो वो वापस आया, सर मैंने तो दोबारा चेक किया, सर आंसर तो यही आ रहा है सर, मैंने दोबारा भी चेक कर लिया। अब सर जो है, सर को हुआ डिस्टर्बेंस, तो सर ने जो है उसको एक लगा दी खींच के, है ना, एक पड़ गए बेचारे को। अब लड़का थोड़ा एकदम सीरियस हो गया, जब तो थप्पड़ खा चुका हूँ मैं, है ना, वो दोबारा बैठा चेक करने के लिए, और दोबारा उसने चेक किया तब भी उसका आंसर सेम आया। और इस बार वो फिर टीचर के पास जाता है और बोलता है कि सर अगेन मेरा आंसर यही आ रहा है ना। अब सर जो है एक्स्ट्रा हाइपर हो जाते हैं सर, है ना, फिर बाद में ये बात जो है, ये पूरा का पूरा मामला प्रिंसिपल ऑफिस तक जाती है, वहां पे ये बात रखी जाती है कि हाँ क्या क्या मैटर, एक्चुअल में क्या मामला था, क्या मैटर हुआ था ना, वहाँ बताई जाती है कि हाँ सर ऐसा ऐसा हुआ, हमने इसको होमवर्क, इसको टास्क दिया, और ये जो है बिना किए, बिना किए कुछ भी आंसर लेके आ जा रहा है मेरे सामने। और जब लड़के से पूछा गया तो लड़के का ये कहना हो कि नहीं सर मेरा आंसर सही है। अब प्रिंसिपल सर ने पूछा कि क्या उसका आंसर सही आंसर क्या है, तो सही आंसर तो सर को भी नहीं पता, सर ने तो ऐसे रैंडमली बोल दिया था कि आप ऐसे कर दो, है ना। तो फिर बाद में उन्होंने कहा कि सर मुझे भी नहीं पता। तो बाद में प्रिंसिपल सर और उन्होंने मतलब उन्होंने मिलकर पूरा उनको जोड़ा, और तकरीबन कुछ घंटों की मेहनत के बाद वो सक्सेसफुली निकाल पाए कि उनको जोड़ने पे इतना आंसर आएगा। और जब उन्होंने मैच किया तो उस बच्चे का आंसर और दोनों सर का आंसर दोनों सेम था, एग्जैक्ट सेम था। अब ये एक शॉकिंग बात थी, जिस काम को करने में एक मैथमेटिक्स टीचर को और एक प्रिंसिपल सर को दोनों मिलकर करा, तो उनको उतना समय लग गया, और वो काम इस बच्चे ने इतनी जल्दी कैसे कर दिया। तो एक्चुअल में उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एक दिमाग लगाया थी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हम मैथ्स में पढ़ते हैं, उसका यूज भी किया था ना, तो वही चीज़ों को हम उन्हीं कंसेप्ट से ना आज ये चीज़ डिराइव भी करने वाले हैं। देखो उन्होंने क्या किया था, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। कहा यह गया था कि आप एक से लेके सौ तक सभी नंबर्स को आप जोड़ दीजिए, एक से लेके सौ तक सभी नंबर्स को आपको क्या कर देना है सर, जोड़ देना है। तो देखिए इस चीज को पहले तो लिख लेते हैं अपन, प्लस क्या आ जाएगा, प्लस मान लो 95 प्लस 96 प्लस 97 प्लस 98 प्लस 99 प्लस 100, डन।
लिख लिया, इसको जोड़ने के लिए कहा गया। बच्चे ने ये दिमाग लगाया था कि उसने पहले वाले टर्म को डायरेक्टली ऐड किया 99 से, सेकंड वाले को ऐड किया 98 से, थर्ड वाले को ऐड किया 97 से, चौथे को ऐड किया 96 से, पांचवे को ऐड किया 95 से। इससे हो क्या रहा, देखो 1 + 99 100 आ जाएगा, 2 + 98 ये भी 100 आएगा, 3 + 98 100, ये अगेन 100 और ये फिर से आ गया 100। ये एक प्रॉपर्टी है एपी की, बहुत ही स्पेशल खास प्रॉपर्टी है, यही चीज का तो यूज यहाँ पे हो रहा है। देखो एपी की ये बहुत स्पेशल प्रॉपर्टी है, जो कि हालांकि सिखाई भी एनसीईआरटी के साथ डीप मेंशन भी नहीं की गई है ना, कि पहले टर्म और लास्ट वाले टर्म का सम इक्वल आएगा, पहले टर्म और लास्ट वाले का सम है ना, फर्स्ट और लास्ट का सम, सेकेंड और सेकेंड लास्ट का सम, थर्ड और थर्ड लास्ट का सम, फोर्थ और फोर्थ लास्ट का सम, ये सब सेम आते हैं, पांचवा इधर से पांचवा और पीछे से पांचवा, उन दोनों का जो सम आएगा वो सेम आएगा, ये एपी की प्रॉपर्टी होती है। उसी प्रॉपर्टी का यूज करके हाँ जब ये प्रूफ करने वाले हैं ना, हमेशा सेम आएगा वो, करके देख लेना अपना। यहाँ पे अगर चौथा टर्म है तो लास्ट फोर्थ है ना, इधर से चौथा टर्म आप उनको जोड़ो, सम सेम आएगा। 100 को डेफिनेटली हम साइड करके बात कर रहे हैं, 100 इसमें तो इंक्लूड हम नहीं कर रहे, ठीक है, विदाउट इंक्लूडिंग 100 मैं आपका करके आपको दिखा दूंगा, 100 को फिलहाल अभी इंक्लूड नहीं करना है ना। तो आप देखो इस यहाँ का पहला, यहाँ का लास्ट 100, सेकंड और सेकंड लास्ट अगेन 100, थर्ड और थर्ड लास्ट फिर से 100, फोर्थ और फोर्थ लास्ट फिर से 100 ही आएगा, ये सेम आएगा, दैट इज द स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब आगे की बात करते हैं, ऐसे तो सर जोड़ियां बनती जा रही है, देख पा रहे हो जोड़ी बन रही है, जोड़ी कितनी बन पाएगी ऐसे, देखो एक जोड़ी दो तीन चार पांच हम गिन नहीं पाएंगे, ऐसे तो बहुत समय लग जाएगा। तो हमने क्या किया, हमने सोचा कि भाई पहली दूसरी तीसरी बना दी हमने, और सोचा कि आखिरी जोड़ी क्या बनेगा, तो आखिरी क्या हो सकता है, देखो 49 50 51, तो 50 को 100 बनाने के लिए एक और 50 चाहिए ना, 50 50, लेकिन हमारे पास एक और 50 तो है ही नहीं ना, 50 तो एक ही टाइम आता है, तो ये बेचारा सिंगल रह जाएगा। 49 और 51 की जो जोड़ी है वो आखिरी जोड़ी बनेगी, 49 + 51 ये 100 आ रहा है, ये आखिरी ऐसी जोड़ी है जिन्हें जोड़ने पे 100 आएगा, 50 रह जाएगा अकेला, और एक कौन, देखो ये अकेला रह गया, और कौन सिंगल रह गया, ये 100 भी सिंगल रह गया, बाकी सभी का देखो घर बस गया है ना, सब ने अपनी अपनी जो है सबकी जोड़ियां बन गई है, 100 और 50 जो अकेले रहेगा, सिंगल रहेगा बेचारे दोनों, इनको साइड में जोड़ दो, 100 + 50 साइड कर दिया अपन ने। अब समझो टोटल 100 नंबर में से दो नंबर तो निकल गए, दो नंबर निकल गए, दो नंबर कम कर दो, कितने बचे 98, 100 में से दो नंबर निकाल दिए, बचे कितने 98। अब ये 98 नंबर्स में देखो आप देखो जोड़ी बन रही है, मतलब दो नंबर मिलके एक बार 100 बन रहा है, हर दो जोड़ी से एक 100 बनेगा, यानी 98 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो कितनी जोड़ी बनेगी मालूम पड़ जाएगा अपने को, तो 98/2 की अपन ने तो 49 आ गया, मतलब 49 ऐसी जोड़ियां बन जाएगी, और एक जोड़ी में 100 आ रहा है, दूसरे में आएगा फिर से 100, तीसरे में आएगा फिर से 100, तो आप 49 टाइम्स 100 आ जाएगा, यानी आपका इनका सम जो है वो कितना आ गया 4900 प्लस ये वाला 100 है ना, ऐड करो कितना हो जाएगा, ये आ गया 5000। अब प्लस ये 50 कर दो, आपका आंसर कितना आ जाएगा 5050। ये उसका आंसर था, एक से लेके 100 तक का सम आता है 50 50, यानी 50 और 50 है ना, 50 50 इसका आंसर था, और ये आंसर एकदम सही भी है। आज के बाद आपको भी याद होना चाहिए कि एक से लेकर 100 तक सभी नंबर्स को जोड़ने पे आंसर क्या आता है 50 50। क्लियर, चलिए बहुत अच्छी बात है सर। अब इसी के बिहाफ पे जब अगर हमें ये बातें समझ में आ गई हो तो हमें अब ये भी समझना होगा कि सर SN का फॉर्मूला कब क्या कैसे क्यों होगा, ठीक है, तो आइए समझते हैं SN के फॉर्मूले को, लेट्स अंडरस्टैंड द फॉर्मूला ऑफ SN। तो SN का हमारे पास फॉर्मूला है, SN का फॉर्मूला देखो हम कैसे निकालते हैं, हमने क्या किया SN इज इक्वल टू हमने लिखा A1 है ना, A1 को हमने फर्स्ट टर्म कह दिया, क्या A2 जो है वो A+D लिख सकते हैं अपन, बिल्कुल लिख सकते हैं, A3 को A+2D लिख सकते हैं अपन, लिख सकते हैं, ऐसे ही सो ऑन करते रहो है ना, और लास्ट वाले टर्म को जो लास्ट वाला जो आपका टर्म आ रहा है, ठीक है, लास्ट वाले टर्म को हमने क्या कह दिया L कह दिया, लास्ट टर्म है ना, लास्ट टर्म को हमने L कह दिया, नोट कर दिया, ठीक है। अब क्या बात है, लास्ट टर्म एल हो गया, अब जब समझो लास्ट टर्म से पहले क्या आएगा, लास्ट टर्म से पहले अगर मैं डी कम कर दूं ना, डी ऐड करने पे ये टर्म आता है ना आगे वाला, तो डी कम कर दूंगा तो पीछे वाला आ जाएगा, तो डी माइनस कर दो ये टर्म मिल गया अपने को, एक डी अपन और कम कर दे L-2D, देखो एक और टर्म मिल गया, ठीक है, अगर ऐसे ही अपन चलते रहे, ठीक है, तो ये चीज जो है इतना ऐसे आ रही है, डन। अब नेक्स्ट काम क्या करना, मैंने अभी अभी जस्ट आपको बताया एपी की स्पेशल प्रॉपर्टी
कि पहले और लास्ट का सम, फर्स्ट और फर्स्ट लास्ट का सम, है ना, मतलब सेकंड और सेकंड लास्ट का सम, थर्ड और थर्ड लास्ट का सम सेम आता है। देखो जोड़ के देखो, ए प्लस एल, ए प्लस डी, एल माइनस, देखो माइनस डी प्लस डी कट जाएगा, क्या बचेगा, ए प्लस एल बचेगा, प्लस टू डी माइनस टू डी कट जाएगा, क्या बचेगा, ए प्लस एल बचेगा। देखो सब में ए प्लस एल, ए प्लस एल आ रहा है ना बार बार, तो फर्स्ट ऐसा था सबका, है ना, पहला और लास्ट का सम, सेकंड और सेकंड लास्ट का सम, थर्ड और थर्ड लास्ट का सम सेम आएगा, क्लियर। तो इस चीज को हमने क्या किया, इस एपी को हमने उल्टा घुमाया और उल्टा घुमा के ऐसे रख दिया, यानी पहले वाले को लास्ट में कर दिया। अगेन अब बताओ यार, उल्टा सीधा एक समान हमने पढ़ा है, चाहे मैं दो प्लस तीन प्लस पांच करूं मेरा आंसर दस आना है, चाहे मैं पांच प्लस तीन प्लस दो करूं तब भी मेरा आंसर दस आना है, कोई बदलाव तो नहीं हुआ ना, उल्टा के जोड़ तब भी सेम आएगा। तो मैंने इसी एपी को उल्टा करके जोड़ा, और जब हम उल्टा करके इसको जोड़ेंगे, जब हम इसको उल्टा करीने जोड़ेंगे, तब हमें मिलेगा यहाँ पे L, ये हो जाएगा L माइनस डी, ये हो जाएगा L माइनस टू डी, एंड प्लस करते करते सो ऑन, ये आपको देगा A प्लस टू डी, A प्लस डी एंड प्लस A। और आपको क्या करना है, आप इन दोनों को जोड़ देंगे। देखिए Sn प्लस Sn, 1 Sn प्लस 1 Sn कितना हो जाएगा, 2 Sn, A प्लस L प्लस डी माइनस डी, प्लस टू डी माइनस टू डी, ऐसे ही सारे कट जाएंगे, प्लस थ्री डी माइनस थ्री डी, माइनस टू डी प्लस टू डी, माइनस डी प्लस डी, कैंसिल आउट हो गए सारे के सारे, क्या बच रहा है, देखो ए प्लस एल, ए प्लस एल, ए प्लस एल, यहाँ पे भी ए प्लस एल, ए प्लस एल, ए प्लस एल आ रहा है। अब ये कितने टर्म्स थे इसमें टोटल, एन टर्म्स थे, कितने थे, एन टर्म्स। अब ए प्लस एल को मैंने एन टर्म्स तक जोड़ा, तुम समझो अगर मैं दो को ऐड करूंगा पांच बार, है ना, तो क्या मैं इसको 2 इंटू 5 ना लिखूं, डायरेक्टली 5 बार ऐड कर 2 इंटू 5 कर देंगे अपन। तो a प्लस एल को मैंने ऐड किया है n टाइम्स तक, तो मैं इसको n टाइम्स ऑफ a प्लस एल लिख देता हूं, बात खत्म करते हैं अपन, मुद्दा है ना, मुद्दा यहां समाप्त हुआ आपका। अब अगली प्रक्रिया बताइए सर, तो यहां से आपको मिल जाएगा Sn इज इक्वल टू n डिवाइड बाई 2 इंटू a प्लस एल, उसी एल को आप देखेंगे कुछ किताबों ने एल, है ना, लास्ट टर्म को आप रिप्लेस कर सकते हो, लास्ट टर्म को आपने अगर रिप्लेस कर दो आप इसको an भी लिख सकते हो, एल इज इक्वल टू एन, है ना, ए प्लस एन करके आपने ऐसे रख दिया, ये आपका बन गया सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला। अब नेक्स्ट बात, इसके अंदर आपने देखा होगा इसका अलग ही स्वरूप आपने देखा होगा किताबों में, एनसीईआरटी में अलग पढ़ा भी होगा आपने, कैसे आता वो भी देखो। एस एन इज इक्वल टू, अगर मैं एन बाई टू को एन बाई टू रहने दूं, ए को ए रहने दिया मैंने, और एन को अगर मैं एन का फॉर्मूला लिख दूं, याद है एन का फॉर्मूला, ए प्लस एन माइनस, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, हमें लग दिया a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, याद है हमने पढ़ा था ना, an इज इक्वल टू फॉर्मूला पढ़ा था, कहाँ लिख दूं मैं, जगह यहाँ पे लिख देता हूँ ना, an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, उसकी वैल्यू हम यहाँ पे रख रहे हैं, बात खत्म, है ना। अब देखो इससे क्या होगा, Sn इज इक्वल टू n बाई टू, ब्रैकेट में a प्लस a कितना हो जाएगा, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो ये हो गया आपका Sn का दूसरा 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 फॉर्मूला, क्लियर हो गया मेरी बातें, ये है आपके Sn का दूसरा फॉर्मूला। अब नेक्स्ट Sn का तो सर हमारे पास फॉर्मूला आ गया, एक ये है एक ये है, दोनों सेम है, दोनों का हमने रूप बदला हुआ, अलग अलग रूप में अलग अलग अवतार है इनका, ठीक क्लियर। तो ये Sn का तो आपका दूसरा फॉर्मूला, ये an वाला फॉर्मूला जो हमने यहाँ पे यूज किया। अब और क्या देखें हम आपके, अब और कैसे दिन दिखाएंगे आप, चलो देखो हमें कुछ कुछ और भी चीजें अभी देखनी बाकी है, ठीक है। बड़ा ही बेहतरीन और इम्पोर्टेंट रिजल्ट, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ध्यान से देखना, ये भी आपको ध्यान रखना है ना, एन का फॉर्मूला, एन के मैं आपको एक और फॉर्मूला बताने जा रहा हूं, एन इज इक्वल टू, आपको ध्यान रखना है आज के बाद, एस एन माइनस एस एन माइनस वन, ऐसा अगर आप करोगे तो आपको एन मिल जाएगा। अब ये क्या है सर, याद है ऐसा ही तुमने डी का फॉर्मूला पढ़ा था, डी इज इक्वल टू एन माइनस एन माइनस वन, मतलब nth टर्म में अगर आप एपी में टर्म्स को माइनस करोगे तो आपको कॉमन डिफरेंस मिलता था, यहां अगर आप इसको माइनस करोगे सम ऑफ n टर्म में तो आपको n मिल जाएगा। अब ये फॉर्मूला आया कैसे, जरा समझते हैं इस चीज को, जरा समझो तुम, ना मान लो मैंने ऐड किया a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4, ऐसे करते करते मैंने ऐड किया यहां तक an तक ऐड किया, an से पहले क्या आएगा, an माइनस वन आएगा ना, an से पहले क्या आएगा, an माइनस वन, एक टर्म कम। अब जरा समझो, यहां से लेके यहां तक जोड़ा मैंने तो क्या आया, वो Sn, सम ऑफ n टर्म्स है ना ये। अब सम ऑफ n टर्म्स में से अगर मैं मान के चलो, मैं यहां तक, है ना, यहां तक
यहां तक का सम क्या होगा, यहां तक का सम क्या होगा, यहां तक का सम आएगा एस एन माइनस वन, जो नंबर है वही नंबर है ना। मान लो यहां तक मैं जोड़ूंगा तो सम ऑफ फोर टर्म्स, एस फोर लिखेंगे अपन, यहां तक जोड़ूंगा तो एस थ्री सम ऑफ थ्री टर्म्स, यहां तक जोड़ा तो एस टू यानी सम ऑफ टू टर्म्स, तो मैंने यहां तक जोड़ा तो मैंने एस एन लिखा सम ऑफ एन टर्म्स, मैं यहां तक जोड़ूंगा तो मैं इसे लिखूंगा एस एन माइनस वन क्योंकि सम ऑफ एन माइनस वन टर्म्स। अब जरा समझना ध्यान से, अगर मैं पूरे एस एन में से, पूरे एस एन में से अगर मैं सम ऑफ एन माइनस वन टर्म्स तक का चीजों को अगर मैं माइनस करूं तो मेरे पास क्या बच रहा है, केवल एन बचा ना। बात समझे नहीं समझे, अगर सम ऑफ एन टर्म्स में से सम ऑफ एन टर्म्स में से सम ऑफ एन माइनस वन टर्म्स अगर हम अपन हटा देते हैं तो बचेगा अपने पास एन। तो ये हमारा एन का एक और फॉर्मूला होता है, एन इज इक्वल टू एस एन माइनस एस एन माइनस वन, क्लियर। अब यहां से यहां से यहां से अपन कुछ चीजों को और भी देखने वाले हैं सर। और क्या देखने वाले हैं सर, देखो और भी मैं तुम्हें दिखाता हूँ और क्या देख पाओगे तुम। अब और अपन क्या कर सकते हैं सर इसके अंदर, याद है कॉमन डिफरेंस का एक फॉर्मूला आपने पढ़ा था, ये वो फॉर्मूला है जो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाएगा, बहुत बार है ना। D इज इक्वल टू हमने क्या पढ़ा है, ए एन माइनस ए एन माइनस वन, यही पढ़ा है ना, D इज इक्वल टू ए एन माइनस ए एन माइनस वन। अब ए एन की जगह पे क्या मैं ये फॉर्मूला छाप दूं, देखना ध्यान से, डी इज इक्वल टू ए एन की जगह मैंने रख दिया एस एन माइनस एस एन माइनस वन रख दिया। अब ये सिर्फ ए एन की जगह पे है, फिर ये सिर्फ ए एन का पार्ट है माइनस, अब इसका इसकी जगह पे वैल्यू रखनी पड़ेगी। अब समझो अगर ए एन की जगह है ना, इस ए एन की जगह अगर मैं लिखूं ए एन माइनस वन, एन की जगह मैंने क्या रख दिया एन माइनस वन, तो यहाँ पे फॉर्मूले में क्या आ जाएगा, एन की जगह आ जाएगा एन माइनस वन, और ये माइनस वन है तो इसमें एक माइनस वन ऑलरेडी है, इसमें एक और कम करो, यहाँ पे एन था तो एक कम हुआ, अब यहाँ एन माइनस वन है तो एक और कम कर दो, तो ये कितना हो जाएगा एस एन माइनस टू। ध्यान से समझना, D इज इक्वल टू ए एन माइनस ए एन माइनस वन होता है, हमने ए एन की जगह पे क्या रखा, ये वाला फॉर्मूला रख दिया एस एन माइनस एस एन माइनस वन, क्लियर। अब ए एन माइनस वन की जगह पे क्या रखेंगे सर, इसकी जगह पे क्या रखेंगे वो समझने के लिए इस फॉर्मूले को वापस आ जाओ, एन की जगह तुम रख दो ए एन माइनस वन, एन की जगह क्या रख दिया हमने एन माइनस वन, तो जहां जहां एन है वहां वहां एन माइनस वन आ जाएगा, तो यहाँ पे भी क्या आ गया एन माइनस वन। अब आप देखो ये वाला जो नंबर है इससे एक कम है, ये एन था तो ये एन माइनस वन, ये एन माइनस वन तो एक और कम कर दो एन माइनस टू आ जाएगा, मतलब एन माइनस वन की जगह पे मुझे ये रखना है, यहाँ क्या आ जाएगा एस एन माइनस वन माइनस एस एन माइनस टू। अब इससे क्या मिलेगा, देखो इससे क्या मिलेगा आपको, एस एन मिल जाएगा। अब देखो माइनस और माइनस, पहले ब्रैकेट खोल दो अपन, माइनस एस एन माइनस वन माइनस एस एन माइनस वन, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस एस एन माइनस टू, क्लियर। अब देखो ये दोनों सेम है, तो D इज इक्वल टू एस एन माइनस माइनस वन माइनस वन कितना आ जाएगा माइनस टू टाइम्स ऑफ एस एन माइनस वन और प्लस एस एन माइनस टू। ये होता है आपका कॉमन डिफरेंस निकालने का एक और फॉर्मूला, D निकालने का फॉर्मूला एक और हो गया हमारे पास, ये फॉर्मूला है। अब इसमें सवाल, हाँ इसमें कंडीशन क्या रहती है, कंडीशन ये थी कि आपका जो n है ना वो बड़ा होना चाहिए टू से, है ना, क्योंकि अगर मान लो टू से बड़ा, अगर मान लो टू रहा था टू माइनस टू से जीरो हो जाएगा, सम ऑफ जीरो टर्म होता नहीं, तो n जो है टू से बड़ा होना चाहिए। इस पे बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है ये, देखो सवाल क्या पूछते हैं, सवाल ये पूछेंगे इफ d इज इक्वल टू, इफ d इज इक्वल टू एस एन माइनस, यहां पे आपको k लगा देंगे एस एन माइनस वन प्लस एस एन माइनस टू, और बोलेंगे है ना, बोलेंगे कि ये चीज है d की, d का फॉर्मूला है और n ग्रेटर देन टू है, तो आप बताओ कि k की वैल्यू क्या होगी। अरे बड़ा आसान है यार, आप कंपेयर करके देखो, आपको ध्यान रखना यहाँ पे टू ही आएगा, दो के अलावा कुछ और नहीं आ सकता, यानी k इज इक्वल टू टू टिक मार देना आप, समझे मेरी बात है ना। या फिर कई बार ना आपको क्वेश्चन में और क्या बदलाव कर सकते हैं, बदलाव ये कर देंगे k की जगह यहाँ पे टू दे देंगे ऑलरेडी, ये d गायब कर देंगे, बोलेंगे इज इक्वल टू क्या आएगा, इज इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ पे कई बार a रहेगा, a प्लस डी रहेगा, ए एन रहेगा, आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या आएगा, समझे। तो ये भी ध्यान रखा कि ये कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला, ये दो टाइप के सवाल जो है इस क्वेश्चन से, इस पर्टिकुलर फॉर्मूले से बनते हैं, सेक्शन ए के लिए सवाल आते हैं, सीबीएसई गुजरात बोर्ड दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ये, डन सर, चलिए वेरी गुड। तो अब हम स्टार्ट करेंगे इसके बाद वाली चीजें। अब हमने एन का फॉर्मूला वगैरह देख लिया, एस एन का फॉर्मूला देख लिया, सारे डेरिवेशन देख लिए सर, अब हमें कुछ सवाल करके दिखाइए। तो मान लीजिए अपन पहला सवाल लेते हैं, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये, हेडिंग लगा ना, सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। अब ये क्या है,
पहले एन नेचुरल नंबर्स को जोड़ना है, यानी 1 + 2 + 3 + 4 अप टू कहां तक, अप टू एन टर्म्स तक आपको ऐड करना है, अप टू एन टर्म्स आपको ऐड करना है। देखो आप ध्यान से एपी का फॉर्मूला लगाएंगे अपन। पहला टर्म देखो आपको मिल रहा है 1, कॉमन डिफरेंस देखो कितने का है, 2 - 1 करो कॉमन डिफरेंस 1 आ जाएगा। नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स आपको एन ही रखना है, है ना। क्या निकालना है मुझे, निकालना है एस एन, समझ आ गया। ए और डी दिया है, बाकी और कुछ नहीं दिया। अब चलो इसको पुट करते हैं। तो हमने पढ़ा है एस एन इज इक्वल टू क्या होता है, एन डिवाइड बाई 2 ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, 2a + n - 1 × d। सो एस एन इज इक्वल टू एन की जगह पे एन बाई 2 × a की जगह पे क्या रखेंगे 1, क्योंकि पहला टर्म 1 है, प्लस एन माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस भी क्या है 1। अब देखो एस एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन बाई 2 अंजा कितना हो जाएगा 2, प्लस ये 1 से मल्टीप्लाई कोई फर्क पड़ेगा नहीं, यानी क्या जाएगा एन माइनस 1। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको रियलाइज होगा ये कि ये एन बाई 2 और ये क्या हो जाएगा, देखो 2 - 1 कितना हो जाएगा 1, एन तो रहेगा ही रहेगा, 2 - 1 + 1। इसी चीज को स्टैंडर्ड थोड़ा इसको जनरलाइज कर देंगे, बढ़िया से लिख देंगे तो आपको देखो ये कुछ ऐसा लिखा हुआ मिलेगा, एन इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2। ये किसका फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का। ये आपको ध्यान रखना है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि पहले एन नेचुरल नंबर्स को जोड़ने का तरीका ये होगा, क्लियर। पहले एन नेचुरल नंबर्स को जोड़ने का तरीका एन इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2 होगा, ओके डन। अब नेक्स्ट, अभी चीज सर काम कैसे करते हैं ना, काम भी करवा के अपन दिखाएंगे ना, चीज काम कैसे करते काम करवा के भी दिखाएंगे, क्लियर। अब अपने को नेक्स्ट क्या देखना, अब हमें नेक्स्ट देखना सम ऑफ फर्स्ट एन, सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर्स, सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर्स, पहले एन इवन नंबर्स का सम क्या हो, अब ये भी अपने को चेक करना पड़ेगा, ठीक है। अब सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर्स का सम देखो क्या होगा, वो अपन चेक कर लेते हैं। सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर्स, अगेन क्या करना है आपको, एस एन इज इक्वल टू, पहले तो इवन नंबर लिख लो यार, इवन नंबर क्या होने वाला है। सो हम यहां पे लिखेंगे इवन नंबर की सीरीज, 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + ……up to 2n, है ना, 2 × n होता है इवन नंबर का अपना जनरल फॉर्म। इसको ऐड करना है, तो देखो हमें पहला टर्म तो मिल रहा है 2, कॉमन डिफरेंस कितने का मिल रहा है 4 - 2 का ही मिल रहा है, और क्या दिख रहा है अपने को, एन की जगह पे तो आपको एन ही रखना पड़ेगा ना, नंबर ऑफ टर्म्स इसमें एन है, और आपको एस एन निकालना है, एस एन निकालना है। कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करो यार, सीधी बात है, एस एन इज इक्वल टू एन डिवाइड बाई 2 ब्रैकेट में 2a + n - 1 × d। सो यहां से मिलेगा एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 ब्रैकेट में 2 × 2 + n - 1 × d की जगह पे भी क्या आ जाएगा 2, है ना, कॉमन डिफरेंस 2 आ गया। अब देखो ये दो टर्म है, एक ये दोनों ही टर्म्स में 2 आ रहा है, मैं 2 को बाहर कॉमन निकाल लेता हूँ। तो जैसे ही अपन 2 को बाहर कॉमन निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा n बाई 2, और इसमें 2 बाहर निकल गया, अब देखो क्या बचेगा, ये 2, एक ही 2 बचेगा, प्लस ये 2 भी बाहर आ गया, क्या बचेगा यहाँ पे n माइनस 1। देखो 2 ने 2 को मार दिया, है ना। अब क्या बचा यहाँ पे, एस एन इज इक्वल टू एन टाइम्स ऑफ 2 - 1 कितना हो जाएगा 1, यानी n इंटू एक n रहेगा और 2 - 1 + 1 n इंटू एन प्लस 1। ये हो गया आपका इवन नंबर्स का सम, सम ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर्स, सम ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर्स, पहले n इवन नंबर्स का सम n इंटू एन प्लस 1 आएगा। दोनों ऑलमोस्ट सेम है, फर्क क्या है, यहां अपॉन में 2 है, यहां अपॉन में 2 नहीं है। इस बात को देखो आप एक और तरीके से समझ सकते हो, एक और तरीके से दूसरा मेथड, मेथड टू करके आप देखो कैसे समझेंगे। अगर मैं 2 + 4 + 6 + 8 को 2 है ना, अगर मैं सब में से 2 कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा मेरे पास, 1 + 2 + 3 + 4 + ऐसे करके + n तक आ जाएगा, हाँ या ना। देखो 2 कॉमन लेना अपने को, और 2 कॉमन लेने के बाद सम ऑफ नेचुरल नंबर बन जा रहा है ये तो, और नेचुरल नंबर का सम ने अभी भी डिराइव किया, कितना आता है n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2 आता है ना, और ये 2 आपने बाहर कॉमन लिया है, देखो ये 2 से 2 कट गया, क्या बचा n इंटू एन प्लस 1, डायरेक्टली रिजल्ट आ जाएगा। आसान था ये, इस चीज के मुकाबले आपको ये ज्यादा आसान पड़ेगा, n इंटू एन प्लस 1 है ना, डायरेक्टली नेचुरल नंबर n इंटू एन प्लस 1 बाई 2, इवन नंबर n इंटू एन प्लस 1। अब बाकी क्या रह रहा है, बाकी रह रहा है आपके ऑड नंबर्स का, ये आपको याद रखने सारे इंपॉर्टेंट है, ये सारे के सारे सम ऑफ फर्स्ट एन
ऑड नंबर्स, पहले n ऑड नंबर्स का सम कितना आएगा, पहले n ऑड नंबर्स का सम कितना आएगा, कैसे निकालेंगे? ऑड नंबर लिखिए भैया जी, 1 + 3 + 5 + 7 + 9, ऐसे करते करते कहां तक ऐड करना है, 2n माइनस 1 तक हमें ऐड करना है। डन। अब ये ऐड करने के लिए आपको क्या करना होगा, अगेन आप देखो, पहला टर्म 1, कॉमन डिफरेंस 3 - 1 = 2, नंबर ऑफ टर्म्स के पे एन रखेंगे, क्या फाइंड आउट करना है, एस एन फाइंड आउट करना है। स्टार्ट करें, चलो, एस एन इज इक्वल टू एन डिवाइड बाई 2 ब्रैकेट में 2a + n - 1 × d। डन। सो यहां से मिलेगा एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन में 2 टाइम्स ऑफ, पहला टर्म क्या रखूंगा मैं, 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू, कॉमन डिफरेंस कितना है 2। अब देखो ध्यान से, अगेन दोनों ही टर्म्स में 2 है, तो मेरे को 2 बाहर को कॉमन लेके निकाल देना है 2 को मुझे, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 इंटू 2 को हमने ले लिया कॉमन, क्या बचेगा यहाँ पे, बचेगा सिर्फ 1 प्लस, यहाँ क्या बच रहा है, एन माइनस 1, 2 तो बाहर आ गया ना, 2 से 2 कट गया, यहाँ क्या बचा, एस एन इज इक्वल टू एन बच रहा है, और अंदर क्या बचा देखो, प्लस 1 माइनस 1 कट गया, ये अंदर बचा सिर्फ एन। भैया जी एन इंटू एन कितना होता है, एन स्क्वायर होता है, यानी सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर्स का सम जो है कितना आएगा, एन स्क्वायर आएगा। ये वाला आपको समझा देता हूँ क्योंकि समझाने की जरूरत है ना। जैसे मान लो अगर ये 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 की मैं बात करूं, है ना, तो आप देखो इसका आंसर, अगर आप पहले दो टर्म को जोड़ोगे आंसर कितना आ रहा है, 4, जो कि 2 का स्क्वायर है। पहले तीन टर्म्स को जोड़ा आंसर 9 आएगा, 3 का स्क्वायर। पहले चार टर्म को जोड़ो, 4 का स्क्वायर 16। पहले 5 को जोड़ूंगा, तो जोड़ना नहीं है, 5 का स्क्वायर कर दो 25, यानी 25 आएगा। पहले 6 को जोड़ूंगा मैं, तो 6 का स्क्वायर कर दो 36 आएगा। ध्यान रहे मैं हर बार वर्ड का यूज कर रहा हूँ, पहले पहले 4, पहले 5, ऐसा नहीं कि आप 7 पे फॉर्मूला लगा दो ना, 7 से काउंट किया आपने, 7 9 11, 3 टर्म का सम 9, ऐसे मत करना पहले से, है ना, स्टार्टिंग के 5 होने चाहिए, स्टार्टिंग के 6 और स्टार्टिंग के 7 होने चाहिए, तब वो काम करेगा। क्लियर है क्या? ये सारे के सारे वो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो बोर्ड एग्जाम में मोस्ट फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, ये फॉर्मूला एन स्क्वायर वाला, एन इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2 वाला, एन इंटू एन प्लस 1, ये इवन नंबर का फॉर्मूला, मैच द कॉलम्स में आपको पूछ लेते हैं, ये इस साइड दे देंगे कि सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, और यहाँ पे आपको ऑप्शन में तीनों दे देंगे, आपको सेलेक्ट करना होगा किसमें मैच करना है। गुजरात बोर्ड पेपर तो बहुत फ्रीक्वेंटली आता है, ये सीबीएसई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्टली रिजल्ट देते ना, एमसीक्यूज बन जाते हैं, आपको फॉर्मूला नहीं पूछेंगे, वहां पे एप्लीकेशन रहेगा कि आप फटाफट करके बताओ, फॉर्मूले याद रहेंगे तभी आप उसमें कर पाओगे ना। तो इन शॉर्ट आपको ये सारे के सारे फॉर्मूले याद रखने हैं, कॉमन डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला बहुत स्पेशल है, फॉर्मूला ध्यान रखना, बहुत 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 स्पेशल है ये। एन निकालने का SN - SN - 1 वाला फॉर्मूला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, इस चीज को मार्क करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। SN का ये दोनों फॉर्मूले, दोनों फॉर्म, दोनों के दोनों रूप आपको याद होने चाहिए। क्लियर सर? चलिए, तो आज के लेक्चर में हम सिर्फ इतना ही करने वाले हैं, आज के लेक्चर में आप बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल था, थ्योरेटिकल मतलब समझने वाली पार्ट इसमें ज्यादा थे, थ्योरेटिकल नहीं कह सकते, लॉजिकल कह सकते हो आप, बहुत बहुत ज्यादा इसमें डेरिवेशन थे, फॉर्मूले थे, सारे पार्ट समझने वाले थे। अब इन फॉर्मूलों को भूलना नहीं है, इसको, ये वाला चीज को ध्यान रखना, अगर आपको इसको ध्यान रखना है तो आपको ये चीज जो है नोट्स बनाना है, प्लस इसको दिन में आपको 2 बार मिनिमम रिवाइज करना पड़ेगा, है ना, कल इसको 1-2 बार रिवाइज करना, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर अटेंड करना, आपको बेहतर तरीके समझ में आएगा। बिना 2 बार रिवाइज किए लेक्चर 1-2 बार लगे तो आप 2 बार, एक बार तो नोट्स बना लेना और एक बार लेक्चर लगे तो दोबारा देख लेना, क्योंकि ये एक ऐसा पार्ट है जो समझना बहुत जरूरी है, इसको बिना समझे आप एक्सरसाइज क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे आप, ठीक है, इसको 1-2 बार वीडियो देख लेना पहले तो, है ना, और सेकंड इसके नोट्स 2 से 3 बार तो मिनिमम पढ़ना, 2 बार, उसके बाद इसका नेक्स्ट लेक्चर अटेंड करना, जिसमें हम क्वेश्चन सॉल्व करना सीखेंगे। आपकी जो समस्या होती है ना कि सर क्वेश्चन कैसे हम पता करें, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, क्या निकालना है क्या नहीं निकालना है, तो ये चीजों को आप कम से कम 2-3 बार रिवाइज कर लेना, ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में। डन सर? चले फिर, इसके नोट्स बना लेना, पढ़ाई करते रहना, मिलते अपन नेक्स्ट में ना, चलो बाय।